ये सारी चीजें हमारे देश से जुड़ी हुई है, भारत से। तो जाहिर सी बात है इस तरह के विवाद को सामने आएंगे ही और हम उसको शेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फिल्म किसी यूं कहें कि किसी तवायफ के धुंधलों की आवाज़ नहीं। हमारी फिल्म एक बेसहारा, एक ऐसी पीड़ित मजबूर लड़की की आवाज़ है जिसको हम पूरी दुनिया में एक्सपोज करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। हमारी फिल्म वो आवाज़ है कि जब तस्लीमा नसीम ने अपनी किताब में उस वाक़े को लिखा तो उनको बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, तो वही वाक़े से हमारी फिल्म शुरू होती है और उसके बाद फिर वो पश्चिम बंगाल आती है। पश्चिम बंगाल में किस तरह से रोहिंग्यास को फर्जी आईडीज बनाकर उनको पूरे देश में शिफ्ट किया जा रहा है, किस तरह से वहाँ की आबादी रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं। देखिए, इस बात को भी हम साफ करते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, मुसलमान जो भारतीय मुसलमान हम खिलाफ हैं आतंकी मानसिकता के जो विदेश से आए हैं और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करके बस रहे हैं और हुकूमत उनको बसा रही है। जाहिर सी बात है वो विदेशी हैं, उनको भारत से न कोई मोहब्बत है न भारत के संविधान की वो एहतराम करते हैं। वो विदेश से आए हैं, उनका एक मकसद है कि भारत में अशांति फैलाना, उनका एक मकसद है कि भारत का जो एक अच्छी गंगा जमुनी तहजीब है हिंदुओं मुसलमानों के बीच में उसमें दरार डालना। और जब वो वहाँ पर बड़ी बड़ी आबादियाँ बसा कर रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो हिंदू है वो उनके कारोबार सुरक्षित नहीं है, उनका परिवार सुरक्षित नहीं है। भारतीय मुसलमानों के साथ में तो ठीक है, वो सुरक्षित है, लेकिन जहाँ पर इस तरह की ज़हनियत के लोग आ जाते हैं जिनका मकसद ही सिर्फ आतंक है, जिनका मकसद ही सिर्फ लड़कियों के साथ में, वो भी हिंदू लड़कियों के साथ में बलात्कार है, जिनका मकसद सिर्फ हिंदुओं का कत्लोआम है और वो आबादी बसाकर जब वहाँ पर बांग्लादेश में रह रहे हैं तो मजबूरी है वहाँ के हिंदुओं को भागने और वो वहाँ से भाग रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से भी ये कई बार एक्सपोज हो चुका है कि पश्चिम बंगाल के हिंदू पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस वक्त कश्मीर में ऐसा हुआ तब भी दुनिया ने देखा कि एकाएक वहाँ के हालात कैसे बदल गए और बहुत बड़ा कत्लोआम कश्मीर में हिंदुओं का हो गया। तो उस वक्त जिस वक्त कश्मीर में ऐसे हालात थे वही हालात अब रिपीट बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल की हुकूमत सिर्फ अपने वोटों उनकी वोटों की राजनीति हो सकती है। जाहिर सी बात है कि वो सरकार पर काबिज रहना है एक हुकूमत को तो उसको किसी न किसी तरह का भय दूसरे वोटरों में लाना पड़ता है या अपने वोटरों को सहूलियतें देनी पड़ती हैं। अगर वो आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट करना पड़ता है, अगर वो रेप कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ये ममता बनर्जी की मजबूरी है। तो हमारी फिल्म ये सारी चीज़ों को एक्सपोज करने जा रही है और हमको कई बार रोकने की भी कोशिश की गई, हमारे ऊपर FIR हुई जब हमने फिल्म को अनाउंस किया तो हमारे ऊपर पश्चिम बंगाल में FIR हुई। फिर जैसे ही हमने रिलीज की डेट डिक्लेयर की तो हमको नोटिस देकर 18 तारीख को वहाँ बुलाया गया। हमने अपने वकील को भेजा क्योंकि हम इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम वो दाना डालें और हम एक सीधी सादी चुड़िया की तरह वहाँ के दाना चुगने लगे, उनके जाल में फंस जाए। उनका मकसद यही था कि वो हमको वहाँ बुलाएं और बुलाकर हमको अरेस्ट करें, अरेस्ट करके हमको जेल भेजें और वहाँ हमारी हत्या TMC के लोगों के माध्यम से करवा दें, क्योंकि हमारी हत्या के बहुत से ऐसे फतवे हैं जो कट्टरपंथी दे चुके हैं और पश्चिम बंगाल में एक कट्टरपंथियों की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में आबादियां फंसी हुई हैं जिसका मकसद सिर्फ कत्लोआम है। देखिए, एक रोहिंग्यास का गाना हमने शूट किया है, जो रोहिंग्यास का कल्चर है जिस तरह का हमको देखने को मिला, क्योंकि वो गाना बजाने वाले जो उनके अपने जो जिससे वो गाना बजाते हैं ढोलक है या और चीज़ें हुई उस पर वो इस तरह के नाम लिखते हैं तो उसमें मोहब्बत का नाम अगर लिखा हुआ है हम ये समझते हैं इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं।